मुंगेर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंगेर में हथियार निर्माण में आई तेजी। सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटी मुंगेर पुलिस। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 मिनी गन फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। 2 कारीगर गिरफ्तार। 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, मैगजीन सहित हथियार बनाने का ढेरों उपकरण को पुलिस ने किया बरामद। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दरअसल मुंगेर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध हथियारों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए पुलिस की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है और अवैध हथियार निर्माण की गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 4 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए हथियार निर्माण में जुटे 2 कारीगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 4 बेस मशीन, 2 निर्मित पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 2 अनिर्मित पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूत के अलावा हथियार निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया है। गिरफ्तार कारीगर दिलावरपुर निवासी मोहम्मद सदाब और मिर्जापुर बर्दा निवासी मोहम्मद अनीस उर्फ टुन्नो ने पूछताछ के दौरान पुलिस को मिनीगन फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का भी नाम बताया है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना में आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ाए 2 कारीगर सहित 5 नामजद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नामजद सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मिनी गन फैक्ट्री मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गिरफ्तार दोनों कारीगर पूर्व में भी अवैध हथियार निर्माण मामले में जेल जा चुका है। पत्रकार वार्ता में प्रशिक्षु एसपी शैलेंद्र कुमार तथा सदर डीएसपी राजेश कुमार के अलावा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विवेक राज मौजूद थे। एसपी ने बताया कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत तारापुर दियारा में हाल ही में अवैध हथियार कारोबारी ने मिनीगन फैक्ट्री खोला था। मैन्युफैक्चरर को सप्लायर के द्वारा 8 पिस्तौल के निर्माण का ऑर्डर मिला था, परंतु कारीगर 2 ही पिस्तौल का पूर्ण निर्माण कर पाए थे। कारीगरों के द्वारा ऑर्डर के मुताबिक शेष हथियार का निर्माण किया जा रहा था, तभी टीकारामपुर में स्थित एसटीएफ शिविर के पुलिस को अवैध हथियार निर्माण की सूचना मिली और एसटीएफ ने मुफस्सिल थाना के पुलिस के साथ छापेमारी कर हथियार व उपकरण को बरामद कर लिया। ये दियारा क्षेत्र जो है उसमें आए दिन हम लोगों को सूचना इस तरह से प्राप्त हो रही थी कि कुछ अवैध तरीके का कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। इसी क्रम में आईपीएस प्रोबेशनर शैलेंद्र और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में इसका अभियान के रूप में इसको कार्य किया गया। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर जो मुफस्सिल थाना का दियारा क्षेत्र है तारापुर दियारा जो कि टीकारामपुर से नज़दीक है और टीकारामपुर में एक एसटीएफ का कैंप भी इसी उद्देश्य से खोला गया था, तो एसटीएफ के सहयोग से और गुप्त सूचना के आधार पर दियारा क्षेत्र से जो कि तारापुर दियारा है मुफस्सिल थाना अंतर्गत वहाँ से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उसमें हम लोगों को 3 बेस मशीन हम लोगों को मिला है। वहाँ पर 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है और 2-3 वहाँ पे लोग और थे जो कारीगर थे जो वहाँ पे कार्य कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सुदूर क्षेत्र है वो उसमें भागने में सफल हुए। इसमें हम लोगों को 2 पिस्टल जो कि पूरी तरह से बन चुका था वो बरामद हुआ है, 1 देसी कट्टा जो बनाया था वो बरामद हुआ है, 2 पिस्टल जो अर्धनिर्मित थी वो बरामद हुई है, इसके अलावा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 12 मैगजीन है जो कि अर्ध निर्मित थी और 3 मैगजीन जो कि पूरी तरह तैयार थी वो बरामद हुए हैं, एवं अन्य सामान जिससे हथियार का निर्माण किया जाता है वो बरामद हुआ है। इस तरह की कार्रवाई हमारी मुंगेर पुलिस की लगातार चल रही है। पहले भी मिनीगन फैक्ट्रीज का उद्भेदन हुआ है और हम लोगों की लगातार सूचना के आधार पर और जो पुराने लोग इसमें संलिप्त हैं जो पहले जेल जा चुके हैं उनका हमारा जो है वेरिफिकेशन चलता रहता है और उससे हम लोगों को जो सूचना मिलती है उसके आधार पर हम लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी जो इस धंधे में संलिप्त हैं उनकी अरेस्टिंग और कार्रवाई की जाएगी। सही है, जो सक्रिय हो गए हैं अभी ना, हम लोगों की कार्रवाई लगातार इसमें चल रही है। पहले भी इसमें ऐसा उद्भेदन हुआ है और ये तो क्योंकि यहाँ पे कारीगर इस तरह से पहले से काम करते रहे हैं तो जैसे हम लोगों को सूचना मिलती है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। सर ये जो मालूम पड़ा है इसमें जो FIR हुई है वो करीब 4 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR हुई है। इसमें 2 जो पकड़ाए हैं दोनों कारीगर हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं और इसमें हम लोगों के जो इनके सप्लायर हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके लिए ये लोग काम कर रहे थे उनके भी नाम सामने आए हैं और जो इसमें इनसे जो बनवा रहे थे और ये पिस्टल जो बन जाता तो उसको आगे सप्लाई करते, तो ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, साक्ष्य संकलित करते हुए उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी।